चैप्टर 15 मीन वैल्यू थ्योरम एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई रोल्स थ्योरम। इसका है 13 पार्ट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 6, इंटरवल दिया -1 to 0। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स बाई टू माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 6। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स। अब एक्स बाई टू की डिफ्रेंशिएशन 1/2, साइन की डिफ्रेंशिएशन कॉस। फिर हम करेंगे इसको, एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी, पाई बाई 6 आ जाएगा। अब हमने देखना है क्या हम इनके बीच में से कोई भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हमें वो नॉन डिफाइंड तो नहीं बनेगा, मतलब रियल नंबर ही बनना चाहिए। कोई भी वैल्यू -1 और 0 के बीच में डालेंगे ना तो वो यही बनेगा, रियल नंबर ही बनेगा। तो इसका मतलब ये इसको बिलोंग करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, f इज डिफ्रेंशिएबल फंक्शन, f इज डिफ्रेंशिएबल फंक्शन ऑन -1 to 0। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है, अगर कोई फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूस भी होगा। एवरी डिफ्रेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफ्रेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होगा, तो दो कंडीशन होगी सेटिस्फाइड। एफ इज कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 0। अब तीसरा क्या होता है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए निकालते हैं, ए है -1, ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। तो ये आ जाएगा -1/2 माइनस साइन ब्रैकेट में -π/6 इंटू 1/2, सॉरी 1 डालना है। तो ये आ जाएगा -1/2, ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 0। अब हम निकालते हैं एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 के लिए क्या करेंगे, इसमें 0 डालना है, 0/2 माइनस साइन 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 और ये भी 0। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी, एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब वेरीफाई करना है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -1 to 0 सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब हमने एफ डैश एक्स तो निकाला हुआ है, एफ डैश एक्स हमारा ये है ना, तो यही लिखना है, बस एक्स की जगह सी लिखना है। तो क्या आएगा, 1/2 -π/6 कॉस पाई सी अपॉन 6। इस 1/2 को उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा कॉस पाई सी अपॉन 6 इक्वल टू -1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब 6 को इधर लाते हैं, पाई को इधर लाते हैं, तो ये बन जाएगा, या ये पहले 2 और 3 भी काट लेते हैं, ये 1 से ये 3 से, ये 3 इधर आ जाएगा कॉस पाई सी अपॉन 6, इस 3 को इधर, पाई को इधर, ये बनेगा 3/π। अब कॉस को उधर ले जाते हैं, पाई सी अपॉन 6 इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/π। अब 6/c को उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 6/π कॉस इनवर्स 3/π। इसका मतलब ये इसके बीच में बिलोंग कर गया, तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 14, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x/π -4 sin²x। तो हम इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी, एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये बचेगा 6/π -4। अब हमें पहले पावर को करना है, साइन स्केयर एक्स में इसको हमने एक्स स्केयर पढ़ना है, तो ये हो जाएगा 2 sin x, फिर हम कर देंगे साइन एक्स को, साइन एक्स की कॉस एक्स, ये आ जाएगा 6/π माइनस, ये फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x होता है sin 2x, 2 sin x cos x होता है sin 2x। अब हमने क्या करना है, 0 और 30 के बीच में कोई भी वैल्यू इसमें डालेंगे तो हमें आंसर रियल नंबर ही मिलेगा, तो हम इसको लिख देंगे बिलोंग्स टू 0 to π/6। तो इसका मतलब हो गया f इज डिफ्रेंशिएबल फंक्शन, f इज डिफ्रेंशिएबल फंक्शन ऑन
जीरो टू पाई बाय सिक्स। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूस भी होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। इसका मतलब हो गया एफ इज कॉन्टीन्यूस ऑन जीरो टू पाई बाय सिक्स। ये दो कंडीशनें होगी सेटिस्फाइड। अब तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ ए, ए है ज़ीरो, तो एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है हम इसमें डालेंगे ये वैल्यू। तो एक्स की जगह ज़ीरो डालेंगे, ज़ीरो फोर साइन स्क्वायर ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। अब एफ ऑफ पाई बाय सिक्स क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह पाई बाय सिक्स यहाँ भी डालेंगे और यहाँ भी डालेंगे, तो ये हो जाएगा सिक्स बाय पाई माइनस पाई बाय सिक्स, फोर इंटू फोर साइन स्क्वायर पाई बाय सिक्स, तो ये और ये कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा वन माइनस साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाय टू, तो ये हो जाएगा वन बाय टू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फोर इंटू वन बाय फोर, ये और ये कैंसिल, वन माइनस वन ज़ीरो। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय सिक्स। अब वेरीफाई करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ज़ीरो टू पाई बाय सिक्स सच डैट एफ डैश इक्वल टू ज़ीरो। अब एफ डैश एक्स तो हमने निकाला हुआ है, एफ डैश एक्स ही है ना, यहाँ पे एक्स की जगह सी डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स बाय पाई माइनस फोर साइन टू सी, इस सिक्स बाय पाई को उधर ले जाते हैं, यह आ जाएगा माइनस सिक्स बाय पाई, ये और ये कैंसिल, फोर टू से और ये थ्री से, इसको इसके नीचे लाते हैं, साइन सी इक्वल टू थ्री अपॉन टू पाई। अब साइन को उधर ले जाते हैं, सी आ जाएगा साइन इनवर्स थ्री बाय टू पाई, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर थ्री का फिफ्टीन पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर रेज टू बाय साइन एक्स ऑन जीरो टू पाई। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशिएट करके। अब ये है हमारे पास ए रेज टू पर एक्स, ए रेज टू पर एक्स की डिफरेंशिएशन होती है ए रेज टू पर एक्स इंटू लॉग ए, तो क्या आ जाएगा, फोर रेज टू बाय साइन एक्स इंटू लॉग ए, ए क्या है फोर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, अब हमने इसको एक्स पढ़ा था, इसको कर देंगे, ये बन जाएगा साइन एक्स, तो ये आ जाएगा फोर साइन एक्स लॉग फोर इंटू कॉस एक्स। अब हमने क्या करना है, ज़ीरो से लेकर 180 कोई भी वैल्यू इसमें डाल के देखते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर डाल दी 90 डाल दी, साइन 91 हो गया फोर, लॉग फोर कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो पूरे से ज़ीरो सबसे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही बन जाएगा, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू ज़ीरो टू पाई। बस देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉन डिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है, ये सेटिस्फाइड हो गया, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ज़ीरो टू पाई। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कॉन्टीन्यूस भी होता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस विच इम्प्लाइज एफ क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस, एफ इज कॉन्टीन्यूस ऑन ज़ीरो टू पाई। ये होगी दो कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन, एफ ऑफ ए निकालते हैं, एफ ऑफ ए क्या, एफ ऑफ ज़ीरो। अब हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, फोर रेज टू बाय साइन एक्स, तो हमने क्या करना है, एक्स की जगह ज़ीरो डाल देना है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, एनी थिंग रेज टू बाय ज़ीरो इक्वल टू वन। अब पाई निकालते हैं, ये बन जाएगा फोर साइन पाई, साइन 180 की वैल्यू ज़ीरो होती है और फोर की पावर ज़ीरो क्या हो जाएगा, वन, एनी थिंग रेज टू बाय ज़ीरो इक्वल टू वन। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब वेरीफाई करते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ज़ीरो टू पाई सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। अभी हमने डिफरेंशिएट किया है ना, तो हम यही ले लेंगे, एक्स की जगह सी डाल देंगे, आ जाएगा फोर साइन सी डॉट लॉग फोर कॉस सी,
अब ये सारा इधर फेंक देंगे तो पीछे क्या बचेगा, कॉस सी इक्वल टू जीरो। कॉस सी जीरो होता है 90 पे, अगर हम देखें 90 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 16 सेम है क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह फर्स्ट पार्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ना, वैसे ही सेम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन रेस्ट पर 4x प्लस कॉस रेस्ट पर 4x ऑन 0 टू पाई बाय 2। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, पहले पावर को करना है, एक्स 4 की 4x क्यूब, तो ये बनेगा 4 साइन क्यूब एक्स डॉट साइन एक्स की कॉस एक्स। अब ऐसे ही इसको करना है, पहले पावर को 4 कॉस क्यूब एक्स, फिर करना है कॉस एक्स को कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें उसमें, एक तो 4 कॉमन है, एक साइन एक्स एक साइन एक्स, और यहाँ पे एक कॉस एक्स और एक कॉस एक्स, ये बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा, साइन स्केयर एक्स, और यहाँ पर माइनस एक बचा कॉस स्केयर एक्स। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मूला होता है ना, और ये फॉर्मूला है कॉस 2x का माइनस कॉस 2x का। यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले कैसे आया, एक तो फॉर्मूला होता है साइन 2x का, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स, लेकिन यहाँ पर था साइन स्केयर एक्स माइनस कॉस स्केयर एक्स, तो माइनस कॉमन निकाल के उस सेट फेंक दिया। तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया, साइन 2x माइनस, पहले लिख देते माइनस कॉस 2x। अब ये दोबारा बन गया ना फॉर्मूला, अगर देखा जाए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इस बार साइन 2x होता है तो हो जाएगा साइन 2x, x की जगह 2x, तो ये बन गया माइनस साइन 4x, ये आ गया एफ डैश एक्स। अब क्या करना है, अब चेक करना है क्या ये इसके बीच में बिलोंग करेगा, 0 और 180 के बीच में, 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 45 ले लेते हैं, 45 लेंगे, 45 इंटू 4 180, साइन 180 क्या आ जाएगा, 0, मतलब रियल नंबर ही आएगा ना, नॉन डिफाइंड तो नहीं आएगा ना, तो ये हो गया बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। तो इसका मतलब एफ इज डिफ्रेंशिएबल ऑन 0 टू पाई बाई 2। अगर कोई फंक्शन डिफ्रेंशिएबल होता है तो वो कॉन्टीन्यूस भी होता है। एवरी डिफ्रेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, एवरी डिफ्रेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। ये होगी दो कंडीशनें। अब तीसरी कंडीशन एफ ऑफ 0 निकालना है। एफ ऑफ 0 के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ये यहाँ पे x की जगह 0 डालेंगे तो क्या बनेगा, साइन 4 0 कॉस रेस्ट ऑफ 4 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो ये आ जाएगा 1। अब एफ ऑफ पाई बाय 2 निकालना है, सेम यहाँ पे 0 की जगह पाई बाय 2 डाल देंगे तो ये आ जाएगा कॉस, अब साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0, तो ये भी हो गया 1, ये दोनों सेम हो गए, दोनों कंडीशन तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब वेरीफाई, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब एफ डैश एक्स तो हमने निकाला है ना, एफ डैश एक्स क्या आया था, माइनस साइन 4x, तो x की जगह c डाल देंगे, माइनस साइन 4c। अब माइनस को उधर फेंक देते हैं। अब साइन 0 कब होता है, साइन 0 एक तो 0 पे होता है और एक होता है 180 पे, तो 180 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो ये और एक कैंसिल, 4c इक्वल टू पाई, c इक्वल टू पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 इसके बीच में लाइक करता है ना, तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है ये, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन 2x ऑन 0 टू पाई। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं।
साइन एक्स की कॉस एक्स और कॉस साइन टू एक्स की कॉस टू एक्स, फिर टू एक्स को करेंगे वो हो जाएगी टू। कोई भी वैल्यू इसके बीच में से लाई कर, अगर हम मान लो 90 पुट करते हैं, कॉस 90 जीरो यहाँ डालेंगे तो टू 180 हो जाएगा, कॉस 180 हो जाएगा माइनस वन माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, मतलब टू आएगा। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड करेगा ना, मतलब रियल नंबर ही मिलेगा ना, कोई भी वैल्यू पुट करें रियल नंबर मिलना चाहिए, मतलब ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए वन बाय ज़ीरो या ऐसा नहीं आना चाहिए, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे रियल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ज़ीरो टू पाई। अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो वो कॉन्टीन्यूस होता है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। इसका मतलब एफ भी क्या होगा, एफ इज कॉन्टीन्यूस ऑन जीरो टू पाई। अब क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए है ज़ीरो, तो वो हमें इसमें डालना है, साइन ज़ीरो माइनस साइन टू इंटू ज़ीरो, टू इंटू ज़ीरो भी ज़ीरो होगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, ऐसे ही एफ ऑफ पाई, साइन पाई माइनस साइन टू पाई, साइन पाई भी ज़ीरो और साइन टू पाई भी ज़ीरो होता है, तो ये हो गया ज़ीरो। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, अब वेरीफाई, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ज़ीरो टू पाई सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। अब एफ डैश सी तो हमने निकाला हुआ है, एफ डैश एक सी है ना, तो यहाँ पे सी डाल देना, तो क्या बनेगा, कॉस सी माइनस टू कॉस टू सी, कॉस सी माइनस टू कॉस टू सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस सी इक्वल टू, अब ये हो गया कॉस सी माइनस टू कॉस टू सी इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस में, टू कॉस के थीटा माइनस वन, तो ये आ जाएगा कॉस सी इक्वल टू माइनस टू कॉस टू सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, टू कॉस केयर सी माइनस वन, तो ये आ जाएगा कॉस सी माइनस, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे फोर कॉस केयर सी माइनस टू, ये सारी टर्म्स उस तरफ ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा फोर कॉस केयर सी, ये उधर जाएगा प्लस, ये उधर जाएगा माइनस, और ये टू उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। यहाँ पर ना छोटी सी गलती हो गई है, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस टू। अब इसकी मिडिल टर्म तो टूटेगी नहीं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वही वाला माइनस बी प्लस माइनस, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो बी क्या, माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस वन। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा फोर इंटू ए, ए कितना है फोर, और सी कितना है माइनस टू अपॉन टू इंटू ए, ए कितना फोर, तो ये आ जाएगा वन प्लस माइनस, ये हो जाएगा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन प्लस हो जाएगा और सेवनटीन अपॉन एट। अब यहाँ पर वैल्यू ज़ीरो से 180 है ना, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव छोड़ देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव छोड़ दिया, और यहाँ पर क्या था, कॉस सी था ना, तो कॉस को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से कॉस जब उधर जाएगा तो सी क्या बनेगा, कॉस इनवर्स वन प्लस रूट सेवनटीन बाई एट, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, यूजिंग रोल्स थ्योरम फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व वाई इक्वल टू सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वेयर ऑन इंटरवल दिया माइनस वन टू वन वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब हम ये पढ़ते हैं ना टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमें लगता है पता नहीं क्या क्वेश्चन बन गया, पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस का क्या मतलब होता है, अगर आपको आपको याद हो आपने एप्लीकेशन डेरिवेटिव में ये पढ़ा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये पढ़ा है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स होता था, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स मतलब इसकी स्लोप तो होगी ये,
अब एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, एक्स एक्सिस में कौन जीरो होता है, वाई इक्वल टू जीरो होता है ना। तो अब लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना, जीरो एक्स प्लस जीरो। तो यहाँ पर कंपेयर करें तो m कितना है, m कितना जीरो है, और ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब, पैरेलल का क्या मतलब होता है, पैरेलल का मतलब होता है दोनों की स्लोप बराबर। तो इसकी स्लोप कितनी है, जीरो। तो बस यही मतलब है कि dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। डी वाई बाई डी एक्स को हम ये भी लिखते हैं ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। बस यही है कि रोल्स थ्योरम के एंड में आता है ना एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो बस इसमें भी वही है, कोई इसमें अजूबा तो है नहीं। तो इसको वैसे ही करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स को ले लेते हैं 16 माइनस एक्स के ऑन माइनस वन टू वन। तो कौन सा फंक्शन है ये, एफ इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। दोनों दो कंडीशनें तो होगी, कॉन्टिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ ए निकालना होता है। एफ ऑफ ए क्या होता है, एफ ऑफ ए दिया हुआ है माइनस वन, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 माइनस माइनस वन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 माइनस वन 15, और एफ ऑफ वन वो हो जाएगा 16 माइनस वन का स्क्वायर, वो भी हो जाएगा 15। ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब तीनों कंडीशनें सेटिस्फाइड। अब हम करेंगे सी की वैल्यू निकालेंगे, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। ये देखो मैंने लिखा ना एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा था, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो वही सेम मतलब होता है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसको देख के घबराना नहीं है। अब क्या होगा, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो और इसकी डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स, टू एक्स। तो एक्स की जगह सी रिप्लेस कर लेते हैं, तो सी आ जाएगा ज़ीरो। तो ये हो गया सी इक्वल टू ज़ीरो। सी को हम एक्स ही पढ़ेंगे, सी को हम एक्स ले लेते हैं। तो एक्स को ज़ीरो डालते हैं यहाँ पर, तो वाई कितना होगा, वाई है ना हमारे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ज़ीरो डाल देंगे तो वाई कितना आ जाएगा 16। तो पॉइंट निकालना था, हैंस पॉइंट इक्वल टू ज़ीरो 16। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द फॉलोइंग कर्व इज द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर से वही आ गया, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया था। तो अब हमें पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालेंगे हम रोल्स थ्योरम से। वाई इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, विच इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन। So, it is continuous and differentiable. तो क्या होगा, ये continuous हो गया और differentiable हो गया, तो इसका मतलब दो condition satisfied होगी। अब तीसरी condition, तीसरी condition क्या, f of a निकालना होता है, a क्या है माइनस टू, माइनस टू इसमें डाल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर, वो हो जाएगा फोर। और एफ ऑफ टू निकालेंगे, वो हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट निकालना है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल माइनस टू 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 सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। अब हम एफ ऑफ एक्स ये है ना, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, टू एक्स, टू एक्स, एक्स की जगह सी लिखेंगे तो सी आ जाएगा ज़ीरो। तो सी बेसिकली एक्स ही होता है, एक्स ज़ीरो आ गया। अब हमारे पास स्टार्टिंग में वाई क्या दिया हुआ था, वाई दिया हुआ था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ डाल देंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो। तो पॉइंट क्या आ गया, ज़ीरो ज़ीरो, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, वाई इक्वल टू ई रेस पर वन माइनस एक्स स्क्वायर ऑन माइनस वन टू वन। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी एफ डैश एक्स, ई एक्स की डिफरेंशिएशन सेम। फिर करेंगे इसको वन की ज़ीरो, एक्स स्क्वायर की टू एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स। तो ये आ गया माइनस टू एक्स ई वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है,
इनके बीच में से कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे जीरो लेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा ना, मतलब कोई भी वैल्यू इसके बीच में से लेनी है, आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए, तो बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, सॉरी रियल नंबर आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन माइनस वन टू वन। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कॉन्टीन्यूस भी होता है, क्यों? बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। इसका मतलब क्या हो गया, एफ बी क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया, एफ इज कॉन्टीन्यूस ऑन माइनस वन टू वन। अब निकालना है एफ ऑफ माइनस वन, वो हम यहाँ पर x की जगह माइनस वन डालेंगे, वन माइनस वन का स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा, ये हो जाएगा e रेस्ट पर जीरो, e रेस्ट पर जीरो वन। अब वन निकालना है तो e रेस्ट वन माइनस वन का स्क्वायर तो हो जाएगा ज़ीरो, तो ये दो तीनों आगे बराबर, तीनों सेटिस्फाइड हो गई। अब वेरीफाई करते हैं, पॉइंट निकालना है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट c बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू, एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने अभी डिफ्रेंशिएशन किया ना, ये यही लिखना है, बस x की जगह c लिखना है, माइनस टू सी ई, माइनस टू सी ई रेस्ट पर वन माइनस सी स्क्वायर। इसको इधर फेंक देंगे, ये पूरा इधर चला जाएगा, माइनस टू सी इक्वल टू ज़ीरो, सी इक्वल टू ज़ीरो, सी इक्वल टू ज़ीरो का मतलब हुआ x ही ज़ीरो हो गया। अब x ज़ीरो है, अब हमें y निकालना है, y क्या था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, e रेस्ट पर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डाल देंगे हम ज़ीरो, ये आ जाएगा वन माइनस ज़ीरो का स्क्वायर हो गया e, तो पॉइंट आ गया ज़ीरो और e। अब इसका जो थर्ड पार्ट है ना, ये थर्ड पार्ट सेम है बिल्कुल, इसका थर्ड पार्ट जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, फर्स्ट पार्ट है ना वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर नाइन और क्वेश्चन नंबर टेन एक्सरसाइज 5.8 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नाइन क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर थ्री है और टेन है क्वेश्चन नंबर टू है। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाला हुआ एनसीईआरटी की, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, जिसको देखना होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकता है। अब क्वेश्चन नंबर इलेवन है, इट इज़ गिवन डैट रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस एट द पॉइंट दिस। ये शायद मैंने गलत लिख दिया, तो ये गलत है, इसको ठीक कर लेना। ये x इक्वल टू फोर बाई थ्री है, क्या पॉइंट x इक्वल टू फोर बाई थ्री। अब मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि b और c की वैल्यू निकालो, लेकिन क्वेश्चन है क्या, एफ ओ फिक्स दिया हुआ है ये, और इंटरवल दी है वन बाई टू, मतलब इसमें गिवन है कि ये फंक्शन में रोल्स थ्योरम होल्ड कर रही है, मतलब हमें प्रूफ नहीं करना अब कि रोल्स थ्योरम होल्ड कर रही है, इस बार गिवन है कि होल्ड कर रही है और वहाँ से हमने b और c की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी थ्री एक्स स्क्र प्लस टू बी एक्स प्लस सी। अब क्या होगा, रोल्स थ्योरम की तीन कंडीशन होती है, पहली डिफ्रेंशिएबल कॉन्टीन्यूस और तीसरी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो मैं तीसरी कंडीशन यूज़ करूँगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ए है वन और बी है टू, ये आ गया। अब एफ ऑफ वन के लिए क्या करना है, यहाँ पे सारी जगह x की जगह वन डाल देना है, वन का क्यूब b इंटू वन का स्क्वायर c इंटू वन, और एफ ऑफ टू के लिए क्या करना है, x की जगह टू डाल देना है, यहाँ पर टू का क्यूब b इंटू टू का स्क्वायर प्लस c इंटू टू, ये आ जाएगा वन प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एट प्लस फोर बी प्लस टू सी इक्वल टू ज़ीरो। अब फोर बी में से b गए, इसको इससे माइनस किया तो आ गया 3b, अब इसको इससे माइनस करेंगे, 2c में से c गया तो ये हो गया c, अब क्या बचा 8 माइनस वन 7, ये मिल गई हमें फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ तक हो गया। अब रोल्स थ्योरम में नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, लास्ट में हम लिखते हैं ना एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास x पॉइंट भी दिया हुआ है, अगर हम देखें x की वैल्यू कितनी है 4 बाई 3, तो हम लिखेंगे एफ डैश फोर बाई थ्री इक्वल टू ज़ीरो।
अब हमने एफ डैश एक्स तो निकाला हुआ है ना, ये निकाला हुआ है ना, तो हम एक्स की जगह यहाँ 4/3 रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बनेगा 3 × 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 2b × 4/3 प्लस c=0, तो ये हो जाएगा 16/9, ये हो जाएगा 8b/3 प्लस c, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16/3 प्लस 8b/3 प्लस c=0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा इसका एलसीएम 3, तो ये बनेगी 16 + 8b + 3c = 0, ये उधर फेंक देंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 8b + 3c + 16 = 0। अब ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड ये है। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये सेकेंड इक्वेशन वाली लिख रहा हूँ पहले, 8b + 3c + 16 = 0, ये इक्वेशन लिख दी। अब नेक्स्ट इक्वेशन ये है, हम क्या करते हैं इसको और इसको सेम बनाते हैं, सेम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3c हो जाएगा, तो 3 ये हो जाएगा 9b + 3c + 21 = 0, तो ये क्या माइनस 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 ये और कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस बी, ये हो गया -5, यहाँ प्लस आ जाएगा, मतलब ऐसे बनेगा, ये बनेगा माइनस बी और ये बन जाएगा -5, तो बी आ जाएगा हमारा 5, -5 बी आ गया हमारा -5, ये आ गया बी। अब बी हमने बी निकाल दिया, अब सी निकालना है, बी की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 × b है ना, -5 यहाँ डाल रहा हूँ, -5 + c + 7 = 0, तो ये हो जाएगा -15 + c + 7, ये हो जाएगा -8 + c = 0, c = 8, ये आ गया आंसर।